एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं अंडा भुर्जी की बहुत ही आसान रेसिपी। इसके लिए हमने लिया है पैन में 3 से 4 चम्मच तेल। इसमें ऐड करेंगे हम कटी हुई प्याज, 3 से 4 प्याज हमने चॉप कर ली है। हल्का कलर आने तक इसको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, 2 बड़े टमाटर हमने चॉप कर लिए हैं। टमाटरों को हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। ढक के इसको 3 से 4 मिनट तक इसको हमको पकाना है, जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर हमारे अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब इसको अच्छे से हमको फ्राई कर लेना है, जब तक कि इसकी रॉ स्मेल निकल ना जाए। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ऑयल भी हमारा धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है। ये बहुत ही आसान, बहुत ही इजी रेसिपी है। जब आपका कुछ भी बनाने का मूड ना हो तो आप बना सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे अंडे, 5 से 6 अंडे हमने लिए हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। आपका कभी भी कुछ बनाने का मूड ना हो तो आप ये भुर्जी बना के एनी टाइम आप खाना खा सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अच्छे से चलाते हुए इसको भून लेना है ताकि इसमें लम्स ना रह जाए बिल्कुल भी। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश धनिया के पत्ते, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। भुर्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बटर। भुर्जू का आप पाव या नान के साथ यूज़ कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।